हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो है हमारी क्लास नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे सीटेट पे। सीटेट में क्या है, अभी फॉर्म आया हुआ है और सीटेट के जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं ऑनलाइन, और आप तो जानते हैं पिछले साल से ये चल रहा है कि पहले आओ पहले ले जाओ, यानी कि जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगी, जो बाद में आएगा उसको सीट नहीं मिलेगी। तो ये हो गया है। तो अगर आपको अपनी मन पसंद की सीट चाहिए तो आप सीट के लिए जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, वरना आपके जिले में तो वैसे भी नहीं मिलेगा अगर सीट फिल हो गई होगी तो। अब यूपी में भी होने का चांस होगा, तो आप यूपी में अगर है चांस तो कर लीजिए, नहीं होगा तो आपको अदर स्टेट में ही जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो नहीं भरा है तो भर लीजिए, वरना हर जगह अगर सीट फुल हो जाएगी तो आपको सीटेट देने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले साल ही देने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो है सीटेट का फॉर्म भर दिया होगा। और तो चलिए आज का जो है शुरुआत करते हैं कि सीटेट के लिए जो है कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक लें, नोट्स कैसे तैयार करें, और एनके जो है एमसीक्यू या फिर मॉक टेस्ट कैसे करें। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहली बुक है जो हमारी सीटेट के लिए यूथ की जो बुक है सीटेट का, तो यूथ या फिर घटना चक्र से आप जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बोला, फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। अगर आपको मन कर रहा है डिटेल पढ़ने का उसका, तो आप या तो आप एक चैनल ले लीजिए, किसी भी चैनल को पकड़ लीजिए, उस चैनल से वो जो भी प्लेलिस्ट में उसकी है सीटेट के लिए, उन सारे क्लास को आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर वो जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वहाँ पे, वो सारी प्रैक्टिस डेली डेली करिए। उसके बाद आप ले लीजिए घटना चक्र या फिर यूथ की बुक, जिसमें आपके सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, उसी में आपको सेकंड पेपर का भी मिल जाएगा। तो सेकंड पेपर के लिए और जो है फर्स्ट पेपर के लिए आप यूथ या घटना चक्र ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी जो है यूथ कंपटीशन का सुपर टेट का बुक है, जो कि ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी का क्या, इसमें जो है आपको भी पता है, इसमें देख सकते हैं टॉपिक क्या क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर सेकेंड में भी मिलेगा, कुछ चीजें इसकी आपको पेपर फर्स्ट में भी मिलेगा। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं सुपर टेट की ये बुक भी, तो क्योंकि ये आपको काम आएगा सेकंड पेपर में। ओके, तो इसमें जैसे दिया हुआ है, कोई भी चीज जैसे दी है यहाँ पे, इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के बाद इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में। किसी को भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि कोई हार्ड वर्ड यूज किया गया है, सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको लेनी है ये बुक तो आप ले सकते हैं। बाद में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दर्शा दिया गया है कि कौन सी पॉइंट्स ज्यादा मेन है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है अग्नि चट्टाने कैसे परिवर्तित होती है, विशाल चट्टाने, इन सब के बारे में बताया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं नदियां टॉपिक शुरू होने से पहले, प्रैक्टिस के पहले इन्होंने क्या किया है, पहले तो उन्होंने चार्ट बना दिया है। आप चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि नदियां कौन सी, नदियां कहाँ मिलती है, कहाँ से उद्गम होती हैं, ये सब चीजें देख सकते हैं। उसके बाद ये सारे चार्ट, उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पे इसके क्वेश्चन। तो ये सब पढ़ने के बाद इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो ये इतना इनफ है। उसके बाद मैं एक नोट्स मैं बना रही हूँ, तो आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं, तो नोट्स आपको इस तरीके से तैयार करने हैं, इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स में आपको क्या करना है, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो कृपया करके आप डायग्राम द्वारा जरूर पढ़ें। जो चीजें डायग्राम से पढ़ी जा सकती है उसको डायग्राम द्वारा जरूर पढ़ें, क्योंकि डायग्राम होगी तो आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ना सरल हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट्स बनाएं और डायग्राम भी जरूर बनाएं ताकि आपको समझ में आए। तो ये हैं हमारे नोट्स, हालांकि ये सुपर टेट के नोट्स हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए
ये लाई हूँ ताकि आप देखें कि किस तरह जो है हम नोट्स को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा आपको नोट्स तैयार करने इस तरीके से, और इसको हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ना है, रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलो। डेली आपको 1 घंटे प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट को देना है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत। संस्कृत में भी हमने कैसे नोट्स बनाए हैं, इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, साफ सुथरा बिल्कुल बनाना है ताकि आपको पढ़ने में समझ में आए, और आप जब एग्जाम पास में आए तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, एक एक नजर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप साफ नहीं लिखेंगे तो आपका मन खुद को नहीं लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। मन बिल्कुल ऊब जाता है जब गंदी चीज राइटिंग में लिखी होती है या गंदी कॉपी में लिखी होती है। तो साफ सुथरा लिखिए, आपका मन लगेगा पढ़ने में और आपको अच्छा भी फील होगा, मोटिवेट भी होंगी, क्योंकि जब साफ सुथरा कॉपी होता है तो हमारे अंदर फीलिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। महेश्वर सूत्र जो है मैंने इस तरीके से बनाया, हालांकि मैं ये लाइन बिना छोड़े भी कर सकती थी लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं लाइन छोड़ के ही महेश्वर सूत्र को तो मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूं और मेरा जो है पढ़ने में मन लगे। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं महेश्वर सूत्र जो भी है संस्कृत की। संस्कृत के लिए भी आप जब यूथ का कंपटीशन का और क्या नाम है घटना चक्र की वो जब बुक लेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट दे रखे होते हैं, उसी में संस्कृत होता है, उसी में इंग्लिश होती है, उसी में मैथ होता है आपका, ठीक है। तो उन सब में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। लेकिन इसके अलावा मैं कौन सी बुक बताऊंगी, इसके अलावा कौन सी बुक हम ले सकते हैं वो बुक भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप इतना समझ गए कि संस्कृत के लिए भी आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। घटना चक्र की या यूथ की बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। यूथ की हालांकि कुछ पॉइंट्स जैसे जो है टाइपिंग एरर हो जाता है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि वो गलत है। हाँ टाइपिंग एरर होना एक नॉर्मल बात है, हो जाती है, लेकिन आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घटना चक्र देख लें कोई बात नहीं हो। उसके बाद है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की नोट्स मैं ऐसे तैयार की हूँ, मैंने ऐसे नोट्स तैयार किए हैं। डेली नोट्स तैयार करिए और किसी भी चैनल को पकड़ लीजिए, डेली नोट्स तैयार करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपका जो है कुछ आपको ये है कि हाँ तैयार हुआ है। देखिए जैसे मैंने तैयार किया हुआ है इंग्लिश के नोट्स को, तो इस तरीके से आप इंग्लिश के नोट्स को तैयार करें और प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैथ के लिए। मैथ के लिए मैंने क्या है आर एस अग्रवाल की बुक ली है प्रैक्टिस सेट। आर एस अग्रवाल की बुक इसलिए क्योंकि ये हर जगह काम आती है, अगर आप इसकी जो है कर लेते हैं प्रैक्टिस तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आर एस अग्रवाल की आप मैथ की बुक ले सकते हैं, वरना आप यूथ की भी बुक ले सकते हैं अगर टीचिंग का ही के हिसाब से इसे पढ़ना है तो, ठीक है। तो मुझे तो ये बुक अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हुआ है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हुए हैं इसमें, तो ये बुक मेरे लिए इनफ है, आपके लिए भी इनफ होनी चाहिए, नहीं तो आप यूथ या उसका ले सकते हैं जो है घटना चक्र। नेक्स्ट है हमारा जो है हिंदी की। हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो हिंदी के लिए जो है आपको मैं यही बताऊंगी कि BTC में आपको हिंदी की बुक मिली होगी हिंदी शिक्षण। एक तो है आपका द्वितीय सेमेस्टर का, दूसरा है आपका जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं अगर 1 हफ्ते के अंदर, तो आप इन दोनों बुक को जो है पढ़ें। तो आपके पास अगर टाइम है तो इन दोनों बुक को आप पढ़ें, क्योंकि इसमें जो है शिक्षण का भी दिया हुआ है और इसमें आपका जो है ग्रामर भी दिया हुआ है। तो आप मुझे लगता है कि BTC के बुक से ज्यादा बेटर कोई बुक नहीं है डिटेल में अगर पढ़ना है तो। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस तो आप यूज से करेंगे ही। फिर नेक्स्ट है हमारा जो है मैथ का नोट्स कैसे तैयार करें। मैथ्स के जो है प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, मैं नोट्स अभी तैयार कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से नोट्स तैयार कर रही हूँ मैथ के, ये देख सकते हैं। तो मैथ्स के नोट्स भी आपको तैयार करने हैं तो साफ सुथरा करिएगा, क्यों, क्योंकि आप जब पेपर के समय जब रिवाइज करेंगे तो आपको लगना चाहिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं, साफ सुथरा लिखा रहेगा तब जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी में घिचड़ पिचड़ इसी में प्रैक्टिस कर डालेंगे ना, तो
तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि जो प्रैक्टिस करना है मैंने उसकी कॉपी अलग बना रखी है और इसकी कॉपी अलग, यानी मैथ की मैंने दो कॉपी बना रखी है। इस पे मैं जब प्रैक्टिस कर लेती हूँ उसके बाद मैं इसमें सारे नोट्स को जो है नोट करती हूँ, सारी चीज़ों को नोट करती हूँ ताकि ये मेरे पास रहे। रफली सॉल्व करना, हमें उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ मकसद ये होता है कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना है मैथ के लिए। बाकी रूल्स वगैरह आपको इस बुक में नोट्स में तैयार करने हैं ताकि आप उस नोट्स को पढ़ सके। ओके, तो ये थे हमारे नोट्स, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और बुक्स जो मैंने बताए हैं वो भी ठीक लगे होंगे। अब फाइनल बुक है हमारा जो हम बात करेंगे स्टेट लेवल का। आप सिर्फ सीटेट या यूपीटेट के प्रीवियस ईयर की ही तैयारी ना करें, उसको ही ना पढ़ें, बल्कि जिस जिस स्टेट में जो है आपका हुआ है टेट उन सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर को उठाइए। आपको नेट पे भी मिल जाएगा, अगर नेट से नहीं लेना है तो आप शॉप पे जाइए, शॉप पे आपको जो है बुक मिल जाएगी हर सब्जेक्ट का। जैसे मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान का पूरे स्टेट का लेके एक एक बुक मिलेगी, तो उसमें पूरे स्टेट का मनोविज्ञान का ही सिर्फ उसमें क्या है प्रीवियस ईयर होगा, उसमें बिहार का होगा, सीटेट का होगा, उत्तराखंड का होगा, यूपी का होगा, और आपका जो है रीट का होगा, हरियाणा का होगा, उत्तराखंड का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, इन सभी का, झारखंड का, इन सभी का जो है आपको मनोविज्ञान की सारी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट उसमें मिलेंगी एक बुक में। इसी तरह आप हिंदी की भी बुक ले सकते हैं जिसमें सारे स्टेट के हिंदी जितने स्टेट में हुई होंगी उनकी प्रीवियस ईयर होगी। इसी तरीके से आप मैथ का ले सकते हैं और इसी तरीके से आप जो है ईवीएस, ज्योग्राफी, समाज विज्ञान, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो यूथ और जो है आपका घटना चक्र, तो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर के लिए जो है आप उसमें लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है सिर्फ यूपी और सीटेट का ही होगा। लेकिन जब आप क्या नाम है अलग से पढ़ना चाहते हैं, अलग से और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अदर स्टेट के भी जो है प्रीवियस ईयर करने चाहिए, आपके लिए बेनिफिट होगी। और इसका फायदा एक और है कि सुपर टेट के लिए बहुत ज्यादा फिट होगा, क्योंकि सुपर टेट अभी दो बार हुआ है तो सुपर टेट दो बार से अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर टेट और सुपर टेट और सीटेट के अदर स्टेट के ही देखने पड़ेंगे, उनसे ही हमें पता चल सकता है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे आज के जो है बुक्स और नोट्स के डिस्कशन सीटेट के। और सीटेट में जो है आपको पता है सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पैडागॉजी पे, फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी टेट में आते हैं, लेकिन सीटेट में मेन जो कार्य है, मेन जो रोल है आपका पैडागॉजी का है। आपने अगर पैडागॉजी को समझ लिया तो आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा, यानी किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए, चैनल को पकड़ लीजिए, वहां से आप सीटेट की प्रैक्टिस है डेली करिए। जितनी भी उसकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सीटेट की क्लासे, उन क्लासों को तैयार कीजिए, एक नोट्स में उसका नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, उसके सारे प्लेलिस्ट को खत्म कर डालिए। जिस दिन आपने प्लेलिस्ट खत्म कर दिया उस दिन आपको एक अंदर से अनुभव होगा कि हाँ आपकी तैयारी फुल है और आप सीटेट में अच्छे मार्क्स से निकल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपको मेरी बात अच्छी भी लगी होगी। तो अगर ये बात अच्छी लगी है तो चलिए शेयर कर दीजिए फिर इस वीडियो को, और बच्चों को भी बता दीजिए कि हाँ कैसे तैयार करना है, क्योंकि इस समय जो फ्रेशर बच्चे होंगे, पुराने बच्चों के लिए तो ठीक है, पुराने बच्चे जो है वो पहले से तैयार है, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अब बच्चे नए नए बच्चे जो एग्जाम देंगे उनके लिए प्रेशर है, उनको जो है अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करें, तो उनके लिए ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों को इस एडवाइस की जरूरत थी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।